हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसका सम 27 हो, मतलब उनको प्लस करने पे 27 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पे, उनका प्रोडक्ट करने पे 182 आए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे उसका सम प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर निकालने हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स कैसे आया, जैसे कि सपोज अगर दो नंबर है और दो नंबर का सम आपको दे रखा है 12 और एक नंबर आपने निकाल लिया कि 5 है। ठीक है, तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपको सम दे रखा है और एक नंबर आपने माना x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 में से x को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर आ गए x और 27 माइनस x। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको कि इनका प्रोडक्ट 182 है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, और प्रोडक्ट होता किसके इक्वल है, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है आपका x और सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस x। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 27, तो ये हो गया 27x, और x इंटू माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका प्रोडक्ट आ गया 182 और सेकेंड प्रोडक्ट क्या आ गया आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्ट है और ये भी प्रोडक्ट है, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 182 इज इक्वल्स टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 को भी उधर ले जाएंगे तो 27x माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और एक हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था चैप्टर के, तो अब हम इसको करेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं कि इसका जो कोफिशियंट होता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 इंटू कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 182, तो क्या आएगा 182। ठीक है, अब 182 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करेंगे कि जिनका प्रोडक्ट 182 हो, मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए, और जब उनको सम करें, जब प्लस करें तो माइनस 27 आए। ठीक है, तो जब आप इसको देखेंगे तो आपका आएगा माइनस 13 एंड माइनस 14। ठीक है, इन दोनों का सम हो रहा है माइनस 27 और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 182। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज इक्वेशन को, और माइनस 27 को हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे तो माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन देख लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 13, और इधर क्या बचेगा, माइनस 14 कॉमन ले लेते हैं तो इधर भी क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर x माइनस 13 इसमें भी है, x माइनस 13 इसमें भी, तो दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 13, तो x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा आपका, अगर x माइनस 13 इधर से ले लिया तो x बचा, और इधर से x माइनस 13 लिया तो इधर माइनस 14 बचा, तो x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या आ गई x की वैल्यू 13, 13 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 13 इज 13 ओनली। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 14, 0 प्लस 14 इज 14 ओनली। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू आई 13 और एक बार x की वैल्यू आई 14। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट नंबर को x मानता हूँ दैट इज 13, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 13 दैट इज 14। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर को 14 मानता हूँ तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज 13। ठीक है, तो एक नंबर तो आएगा 13 और दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14। ठीक है, यही निकालने थे दो नंबर, तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका 13 और सेकेंड नंबर आ गया आपका 14। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 182 और इन दोनों का सम होगा 27। ठीक है,
तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।